हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और हेल्दी भी होंगे। सो सुबह सुबह का टाइम है और देखिए यहाँ पर स्नो स्टार्ट हो गई है और आज मेरा व्लॉग बनाने का कुछ भी प्लान नहीं था, बट जब देखा बाहर इतना सुंदर नज़ारा है तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर ही लिया है। यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करूँगी एक ग्लास नॉर्मल पानी पीकर, आराम से यहाँ पर बैठ के रिलैक्स करते हुए पानी पीऊँगी और फिर अपने दिन की शुरुआत करूँगी। सो आज सिया के लंच बॉक्स एज वेल एज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ये जवे। इसमें थोड़ा पनीर, गाजर, मटर वगैरह डाल दिया है, कुछ मसाले वसाले डाल के इसको भून लिया था और फिर इसको कवर करके कुक किया 3-4 कप पानी के साथ। और फ्रूट्स में मैंने ब्लूबेरीज दिए हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक लंच रखा है उसका, उसको पसंद आता है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मॉर्निंग की चाय भी रेडी हो गई है और सिया को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, रेडी हो गई वो स्कूल के लिए, तो उसके बस स्टॉप पर मैं उसको ड्रॉप करने जा रही हूँ। यूजुअली पुष्पेंद्र चले जाते हैं आजकल, बट उनकी ऑफिस की कॉल चल रही है इसीलिए मैं चली गई। वापस आई हूँ तो बाकी लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूंगी। सो ब्रेकफास्ट वगैरह सब लोगों को दे दिया मैंने और भूमि को नहला के रेडी कर दिया है। उसके बाद ना लॉन्ड्री के कुछ कपड़े थे वो लगाए हैं, तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन हुआ। और ना मुझे कई सारे मैसेज आते हैं, गौरव आप ना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करो, तो मैं करूँगी जल्दी। और यहाँ पर ना ये बनाना पेपर्स हैं, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते हैं, तो इनको मैंने वॉश कर दिया है और अब मैं लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपसे। और फिर ना मैं टाइमली ही लंच बना दूँगी, साथ में दाल सोक कर रही हूँ। तो पेपर्स जो है इनको मैंने 2 पीसेज में कट कर लिया है, सीड्स वगैरह थे ना उनको निकाल दिया है। तो बनाना पेपर को ना मैं स्टफ़ करके बनाऊंगी और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही मैंने काम ख़त्म कर दिया था इसकी स्टफ़िंग बनाने का। आलू रखे थे मेरे पास, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया ये सब काट के और इसकी जो स्टफ़िंग है स्पाइसी सी वो बनाई थी। थोड़ा सा हींग डाला है और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, दोनों चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आलू की स्टफिंग बना के इस तरह से और उसके बाद इसको ना गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद अभी ये स्टफिंग ठंडी हो गई है, लंच का भी टाइम हो चला है तो मैं इनको फिल कर दूंगी। हाथ से ही मैंने फिल कर दिया है, अगर थोड़ा सा नहीं भरा जा रहा था तो कट लगा के इसको फिल कर दिया। और इस तरीके से जो पेपर हैं ये हमने कर दिया और स्टफ्ड हम पेपर बनाएंगे और ये ना बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, आपको ना एक काफ़ी स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ, ये ब्यूटीफुल सी कैंडल, ये देखिए बीन्स से बनाई गई है ये। तो भूमि ने अपनी टीचर के साथ मिलके फ्लोरिडा में एक कैंडल बनाई थी और भूमि को पता है कि मम्मा को कैंडल्स अच्छे लगते हैं, तो उसने मुझे दे दी थी। भूमि का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको ना संभाल के पैक कर दिया था, आज ये मुझे मिली है तो सोचा इसको ही जला लेती हूँ। और स्नोई सा डे है, कोजी सा डे, तो कैंडल जला के काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भूमि को बुलाया कि देखो मैंने आपकी कैंडल जो दी थी आपने वो जलाई है। शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड शी वॉन्टेड टू ब्लो कि मैं इसे ब्लो कर दूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप ब्लो कर दूँ। तो चलिए अभी कर लेते हैं जो हमने मिर्च फिल की थी ना इनको फ्राई। तो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लिया है उसको गर्म करके और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, 2-3 बार चारों तरफ से पलट देंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और ये अच्छे से हो जाएंगी। अच्छा, मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ तो साथ में एक चीज़ और बना लेती हूँ, सो दैट यू नो फैमिली मेम्बर्स में किसी को कुछ अच्छा ना लगे इसीलिए। तो साथ में मैंने अरहर दाल भी छौंक दी है और दोनों चीज़ें जो है सफिशेंट हो जाती हैं लंच के लिए और फिर डिनर के लिए। हे फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम शेयरिंग अ प्रोडक्ट रिव्यू एंड अ ट्रायल अबाउट दिस क्लीनर। दिस इज़ लाइफ बेसिस अल्ट्रासोनिक ज्वेलरी क्लीनर। इट कम्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 17 ओज, दैट इज़ 500 ml, विद 5 digital timers एंड वॉच स्टैंड फॉर क्लीनिंग ज्वेलरी, आई ग्लासेज, वॉचेज, डेंचर्स, मेकअप ब्रशेज, टूथ ब्रशेज एंड योर डेलिकेट आइटम्स एंड सो ऑन। सो एज आई ओपन द अल्ट्रासोनिक ज्वेलरी क्लीनर बॉक्स, हेयर आई रिसीव दिस यूजुअल मैनुअल, सो टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, वॉट ऑल आइटम्स यू कैन क्लीन इन दिस, हाउ टू यूज
एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस क्लीनर, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड हियर. एज आई ओपन फर्दर यू कैन सी द पैकेजिंग इज क्वाइट सेफ, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल पैक्ड. एंड दिस अल्ट्रासोनिक क्लीनर कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग योर ज्वेलरी, आई ग्लासेस, वॉचेस, डेंचर्स, कॉइन्स, रेजर, नेकलेसेस, टूथब्रश, रिंग्स, डेलिकेट ज्वेलरी, मेकअप ब्रशेज एंड सो ऑन. हेयर आई हैव ओपन्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू वॉट ऑल कंपोनेंट्स आर देयर विद दिस क्लीनर. So here is the ultrasonic cleaner. Along with that, there is a cleaning basket, a watch holder, a power cord, and a user manual. Also, this cleaner is very compact and portable. It comes with a global voltage, so you can use it worldwide. Also, the touch panel design looks so beautiful. This LED digital indicator display makes it easy to read and switch between the different times. And this is very easy to operate as it comes with minimal button. The first one is to switch between the different time, next is the display, and the third is the on and off. It is made up of SUS304 stainless steel tank, so it provides a good corrosion resistance. The tank size is 6 by 2.9 inches and the capacity is 500 ml. Because of its compact size, it's very easy to carry along. So let's do some trial. I have filled it with tap water. Switch it on. We can use this basket, but I am not using it as of now. So I have my mother-in-law's old jewelry. I will put it into the cleaner. You can use some liquid jewelry detergent, but I don't have, so I just put normal dishwashing liquid, a drop. This comes with 5 different cleaning time modes of 180, 280, 380, 480 and 90 seconds to meet the different cleaning needs. And as you can see, the cleaner is working and you can hear some buzzing sound that shows the jewelry is getting clean. So here I use the 380 second time mode to clean this jewelry. Once the cleaning part is complete, you can see the 00 display on this, and I will open it and will take out on a clean paper towel, and jewelry looks quite clean, shiny. You can see this, all the dirts and impurities have gone away. So friends, next items are my puja items which I have to clean. So you can see the before part. So I have changed the water, and next I added all the puja item, a drop of liquid detergent, and once it is closed, I put on to the 480 second cycle and then started working. So these frequency cleaners works on the principle of, you know, ultrasonic cleaning. So it generates 42,000 hertz of high frequency energy waves to 360 degree all around to deep cleaning your items and bring it to the sparkle clean again. So here you can see all my puja items are quite clean and shiny. I have wiped it out with clean paper towel and it's all good to go. So this cleaner comes with a detachable power cable, so it is very easy to replace water. You can easily place the water into the sink, can wipe it out with a clean paper towel, and all good to go for the further cleaning. Into the water tank, you can see there is a minimum and a maximum water line. So this time I'm filling it to the minimum. I'm putting my makeup brushes, a drop of liquid detergent, and 480 second cycle, and after some time you will see all the makeup brushes are getting clean and the water looks more dirty, and all my makeup brushes are quite so clean. And I wipe it out with a clean paper towel and all good to go for the further uses. With this frequency method of cleaning, you can see this cleaner was capable of removing all the dirt and impurities. And here is basket as well as a watch stand when you are using to clean your watches. And here are some coins. So my daughter wanted to try this as well. This time I'm using it with the basket. So I put it into the basket and put all the coins so that you can clean it, and a drop of liquid detergent, and switch it on to the 480 second cycle. And after some time the cleaner started working. You can see the coins looks more shiny. There are no dirt, no impurities on them, so looks good. There are so many wide variety of items you can clean with this. Use my code mentioned on the screen. I am sharing the link in the description box. Thank you. यहाँ पर हमारी जो स्टफ्ड पेपर्स हैं ये रेडी हो गई हैं. एज अ साइड डिश ये बहुत यमी लगती हैं. इनको मैंने चारों तरफ से सेक दिया है, ठंडा करके इस डब्बे में डाल दिया. राइस बनाए हैं आज, मेरा ना राइस खाने का मन हो रहा था, साथ में दाल है, तो ये मेरा सेटिस्फाइंग लंच है. अच्छा, मम्मी राइस नहीं खाती हैं तो उनके लिए रोटियाँ बना दी थी.
और फिर लंच करने के बाद ना मैंने थोड़े से कपड़े डाले हुए थे, ये सारे कपड़े है ना थोड़े श्रिंक से हो गए थे, सोचा इनको आयरन कर दूँ। और जब अपने लिए थोड़ा सा करते हैं ना कपड़े आयरन वगैरह करके अच्छे से रख के फिर पहनते हैं, इट रियली गिव्स अ गुड फीलिंग टू ओन सेल्फ। और यहाँ पर मैंने शाम की चाय बनने के लिए रख दी है, घर में मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम चाय बनती ही है। और डिनर के लिए ऑलरेडी मेरे पास सब्जी है, दाल भी रखी हुई है, तो ये बीट रूट जो है इसको ग्रेट कर लिया था, वीट फ्लावर में कुछ मसाले, हरा धनिया ये सब ऐड करके थोड़ा जीरा ऐड किया, और इसका मैं डो रेडी कर लूँगी। तो बीट रूट के रोटीज या परांठे ऐड कर सकते हैं बना के। शाम को चाय वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ पर किचन के काउंटर वगैरह भी वाइप कर दिए हैं। ऑलरेडी डिनर की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी होंगी। और इस तरीके से शाम को ही जब क्लीनिंग का मोस्टली पार्ट डन कर दो तो रात के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता है करने के लिए। रात को मुझे दूध बॉयल करना होगा फैमिली मेम्बर्स के लिए। यहाँ पर मैंने ये जो कुकिंग स्टोव है ये भी क्लीन कर दिया है, लंच बॉक्स वगैरह एवरीथिंग इज़ ऑल सेट। तो रात को सोने से पहले हम लोग एक ग्लास दूध ले लेते हैं सब लोग। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज है नेक्स्ट डे और जो कल का व्लॉग था मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम लोग किसी काम से कॉस्को की तरफ गए थे, तो वहाँ से मैं कॉस्को का कुछ सामान लेकर आई हूँ, तो आपके साथ क्विक कॉस्को हॉल शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो कल फ्राइडे है, फ्राइडे को मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया घर पे, तो कल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आज ही हम लोग जो सामान लाना था वो ले आए हैं। सो लेट मी वेरी क्विकली शो यू माई कॉस्को हॉल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला आइटम जो है वो ये ब्रिटा के वाटर फिल्टर्स हैं। इसमें ना 10 फिल्टर्स हैं और ये काफी दिनों के लिए हो जाएंगे। करंटली इस पे ऑफ लगा हुआ था और हमको चाहिए भी थे, तो फिर हमने एक बड़ा सा पैकेट जो है ले लिया है। और ये जो ब्रिटा का जो जग होता है उसमें ये रिप्लेसेबल होते हैं, एवरी टाइम जब फिल्टर खत्म हो जाता है तो हम लोग लगा लेते हैं। और फिर इसके साथ मुझे एक एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट चाहिए था, तो ये वाला मुझे काफी सूट करता है स्किन को, तो डव का है ये और इसमें 4 पैक्स आते हैं, तो काफी दिन चल जाते हैं। लास्ट वाला मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तक चला था। तो कॉस्को का सामान यही है, काफी दिन जो है चलता है। इस पे भी कुछ कुछ ऑफ था। लास्ट टाइम ना मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि गौरा वो टॉर्टिला रोटीज थी जो कहाँ से ली थी, तो वो ना मैंने कॉस्को से ली थी और ऑर्गेनिक है ये और बिल्कुल रोटी की तरह तवे पे अच्छे से सेक लो, पराठा भी बना सकते हैं रोटी या रोल्स। तो कल कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो मैंने सोचा ये ऑर्गेनिक वाली लेके जाती हूँ, उसको तवे पे हम लोग सेक लेंगे। और इसके साथ ही कुछ मंचिंग के लिए लेकर आई हूँ, तो ये टॉर्टिला चिप्स का खूब सारा बड़ा सा पैकेट है कर्कलैंड ब्रांड का। तो सालसा है मेरे पास, सालसा का बड़ा सा पैकेट रखा है तो उसके साथ ये यूज हो जाएंगी, तो इसीलिए टॉर्टिला चिप्स। और इसके साथ ही फिर ये कर्कलैंड के ऑर्गेनिक होल कैश्यूज हैं, तो ये वाले भी चाहिए होते हैं मंचिंग वगैरह के लिए, बच्चे खा लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं, पनीर वगैरह की सब्जी में डाल लेते हैं। फिर एक एप्पल्स का पैकेट है, ये स्पिनच का ये वाला बॉक्स मैं हमेशा लेकर आती हूँ, पालक पनीर तो हमेशा बनता ही रहता है घर में, या फिर दाल वाल में डालना हो, कढ़ी में डालना हो, पालक तो मैं डालती रहती हूँ, रोटियाँ भी बना देती हूँ पालक की। और कई सारे ब्रेड्स ट्राई किए हैं बट ये वाले सबसे परफेक्ट लगते हैं, सारा ली के हनी वीट ब्रेड्स काफ़ी लाइट रहते हैं। और इसके साथ ही फिर पुष्पेंद्र अपना शैम्पू लेकर आए हैं, हेड एंड शोल्डर का ये वाला शैम्पू है, ऑर्गेनिक होल मिल्क के बॉटल्स हैं कुछ, ये यही सारा सामान है। और हाँ, एक टॉयलेट पेपर का रोल होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस कॉस्को हॉल फॉर टुडे। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, ऑर्गेनिक सन ड्राई डेट्स का पैकेट लेकर आई हूँ, ये मुझे और सिया को बहुत पसंद है। साथ ही लिया है ये कर्कलैंड का अनसॉल्टेड बटर का एक पैकेट घी बनाने के लिए। और उसके साथ फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना लिख रही हूँ कि क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ कल मेरे फ्रेंड्स आएंगे, तो वेजिटेरियन मील रहेंगे सारे। और उसके साथ ही थोड़ा मेन्यू जो है सिंपल ही रखूँगी, बट दिस टाइम थिंकिंग कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का कुछ बनाते हैं, तो लेट सी कि कैसा जाता है। एक जगह सब लिख लो ना, थोड़ा माइंड में आ जाता है कि क्या क्या बनेगा, क्या उसमें चीज़ें चाहिए होंगी इस टाइप से, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ चलिए आगे का व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी कॉस्को का सारा सामान अरेंज किया और आज डिनर में मैं बनाऊंगी आलू बीन्स की सब्जी। लंच में जो कैरी फॉरवर्ड था प्रीवियस डे से वो यूज़ कर लिया था और अभी सब्जी कट की है। तो मस्टर्ड ऑयल गर्म करके और उसमें अजवाइन का तड़का दिया है ग्रीन चिलीज अनियन वगैरह के साथ, सिंपल सी आलू बीन्स की सब्जी बना ली है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था इनको। ऑल्सो साथ में थोड़े एग्स रखे हुए थे, उनको भी बॉयल कर देती हूँ, और मैं नया पैकेट एग्स का नहीं लाई हूँ क्योंकि नवरात्रि वगैरह भी स्टार्ट होंगे फिर। और यहाँ पर मैंने प्री प्रिपरेशन कर दिया नेक्स्ट डे के लिए, तो कल मैं दाल मखनी बनाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे
तो ये मैंने सोकिंग वगैरह कर दिया, उड़द दाल, राजमा वगैरह। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय, टेक केयर।